कानपुर में शुक्रवार को जुम्मे की नमाज को लेकर बड़ा बवाल हो गया। जुम्मे की नमाज के बाद दो पक्षों के बीच भिड़ंत के बाद दंगे जैसे हालात पैदा हो गए। दो पक्षों के बीच बाजार बंद कराने को लेकर बवाल हुआ। पुलिस पर दंगाई पथराव कर रहे हैं, साथ ही पेट्रोल बम भी फेंक रहे हैं। अब तक 18 लोग हिरासत में लिए गए हैं। फिलहाल पुलिस ने हालत काबू में होने का दावा किया है। एक पुलिसकर्मी समेत कुछ लोग घायल हुए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है। कानपुर कमिश्नरेट के पुलिस आयुक्त विजय सिंह मीना घटना स्थल पर पहुंचे और मोर्चा संभाला। लोगों से अमन चैन बनाए रखने की अपील की गई। मीडिया को जानकारी दी गई। फिलहाल दो कंपनी पीएसआर भेजी जाएगी कानपुर। देश के उच्च अधिकारी कानपुर रवाना हो चुके हैं। इस बीच कानपुर बवाल के मास्टरमाइंड जफर हयात हाशमी की तलाश में पुलिस जुट गई है। शुरुआत पथराव के बाद कानपुर के यतीम खाना चौराहे पर इलाके की गोलियों में दंगाइयों की पहचान करने गई पुलिस पर पथराव होने लगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई।